भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षमंगलायतनोहरे। प्रेम से भोजपुर आरा के रमना मैदान में प्रतिष्ठित डिज्नीलैंड मेले का शुभ उद्घाटन हो गया है। इस शानदार मेले का उद्घाटन श्रीमती इंदु देवी महापौर आरा के द्वारा किया गया। इस मौके पर उप महापौर आरा प्रतिनिधि सरोज सिंह भी उपस्थित थे। इसके साथ ही शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर आयोजक विकी पांडे ने बताया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर आरा शहरवासी पहली बार डिज्नीलैंड मेले में विशालकाय लंदन ब्रिज गेट पर रैंप वॉक करते हुए मेले में प्रवेश करेंगे। इस दौरान मेयर इंदु देवी से शहर की साफ सफाई को लेकर भी बात की गई। साथ ही लोगों ने अपनी बातें भी रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ब्यूरो चीफ शशि भूषण सिंह की रिपोर्ट। जनता को मैं प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं 15 अक्टूबर से दशहरा शुरू होने वाला है और दशहरा के दिन में हम देखते हैं कि हमारे शहर से और आसपास के गांव से भी बहुत सारे लोग आरा में दशहरा पूजा घूमने आते हैं अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और जो भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने तो एक बार जरूर से वो रमना में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रमना मंदिर भी है और यहाँ पे डिज्नीलैंड मेला लगता है और इस बार भी डिज्नीलैंड का मेला लगा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ नया दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ और सभी लोग यहाँ पे आए और डिज्नीलैंड का आनंद उठाए। और ये जिस तरह से दशहरा को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं, काफ़ी मात्रा में अपने यूरिनल को उद्घाटन कर लिया है, दशहरा से पहले और कितनी लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं यहाँ पे आरा में लोगों को? दशहरा से पहले और जो भी बाकी यूरिनल है उसका मैं उद्घाटन करूँगी और यहाँ की सफाई व्यवस्था को भी मैं दुरुस्त करूँगी। मैडम, टूटी सड़कें भी एक समस्या है, लोग कहते हैं कि सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, क्या नगर निगम के अंदर जो सड़कें आती हैं उसको लेकर भी आप लोग कुछ ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाह रही हैं? जी हाँ, इस बार हम लोग ने ये सोचा है कि इस साल में हमें जल्द से नगर निगम के सामने जो भी टूटी हुई सड़कें हैं उसकी मरम्मत करवाएगी और नई सड़कें दिखाई देंगी। वासियों का धन्यवाद देते हैं कि हमें यह सुनहरा मौका मिला है मेला लगाने के लिए आरा रमना मैदान में, और यहाँ के पब्लिक के लिए हम कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। लंदन ब्रिज का गेट का थीम हमने दिया है कि पब्लिक रैंप वॉक करते हुए जाएगी, बच्चे हों या बूढ़े हों या कोई भी लड़की हो या औरतें हों, सब लोग रैंप वॉक करते हुए मेला में टहलेगी। और यहाँ पर CCTV कैमरा का भरपूर व्यवस्था किया गया है कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। महिला वॉलंटियर, लड़के वॉलंटियर सब रखा गया है कि किसी को भी सुरक्षा को लेकर के कोई परेशानी ना हो। अधिकांशतः मेले में ये देखा जाता है कि सुरक्षा को देखते हुए हम लोग CCTV 24 कैमरा लगाए हुए हैं, प्लस वॉलंटियर 50 लगाए हुए हैं, 30 बाउंसर लगाए हुए हैं और महिला सिक्योरिटी 20 लगाए हुए हैं, जिससे पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा महसूस नहीं होगी और आरावासियों को अच्छा इंटरटेन करके जाएंगे। क्राउड मैनेजमेंट जैसे कि आपने फोकस किया था, दशहरा का ऑब्वियसली भीड़ आती है, रामलीला भी होना है, जी 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 भी है, उसी के चलते एग्जिट को लेकर कितने पॉइंट्स आपने? 4 इमरजेंसी एग्जिट बनाए और सब जगह लोगों के साथ बनाए और सब जगह लाइट्स का व्यवस्था रखे कि किसी को भी कुछ भी असुविधा हुआ तो किसी भी इमरजेंसी एग्जिट से आराम से निकल सके। फुल फ्लेज में ये मेला कब से दिखने लगा? आज रात से ही आपको फुल फ्लेज में दिखने लगा। कोई भी मेला स्टार्टिंग समय में शुरू में थोड़ा सा लगता है, कभी फुल फ्लेज में, बल्कि रात के बाद अगले दिन जब आप आएंगे फुल फ्लेज में ही मेला दिखाई देगा। टिकट का रेट झूला वगैरह को लेकर क्या? 50 रुपये से 100 रुपये तक का एंट्री फी, 20 रुपीज़। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि आप बेहिचक बेधड़क आएँ हमारे मेला में और लंदन ब्रिज का गेट का थीम देखते हुए और हमारे मेला का आनंद लें। भरपूर सुविधा मिलेगा, भरपूर सुरक्षा मिलेगा हमारे तरफ से। चैनल के माध्यम से आरा शहर के भगवान की जनता को हम प्रणाम करते हैं। आप जितने भी चैनल वाले हैं उनको अभिनंदन बढ़ा। देखिए, दशहरा में पूरा शहर से लेकर देहात तक ले के लोग आते हैं और दशहरा घूमने के लिए, तो हम लोग ये सोचे कि यहाँ पे डिज्नीलैंड का जो मेला लग रहा है, हम लोग सोचे कि दशहरा का पहले इनका उद्घाटन कर दिया जाए कि और भरपूर इंटरटेनमेंट का आनंद ले सके जितने घूमने वाले आएंगे देहात से लेकर शहर तक, यही हम लोग का सोच है। पूजा समितियों को निगम और क्या फैसिलिटी देने जा रहे हैं साफ सफाई? वो सब देखिए, पूजा समिति अभी माने रेगुलर हम लोग का सफाई चल रहा है, ये नहीं कि पूजा में तो कुछ और एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके कहने के मुताबिक, नहीं तो हम लोग एक्स्ट्रा क्या वो ऐसा कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी सफाई ये जानता जानती है कि हम लोग सफाई में कहीं से कोई कमी नहीं है। डेंगू का डर लगा हुआ लगातार बना हुआ है, फॉगिंग को लेकर क्या नगर निगम का स्टैंड क्या है? देखिए, हर एक वार्ड में हम लोग रोज डेली 3 से 4 वार्ड में फॉगिंग मशीन चल रहा है और करीब करीब सभी वार्ड में हम लोग फॉगिंग मशीन दे चुके हैं और वो जो लिक्विड है वो दे चुके हैं और छिड़काव
डेली करा रहे हैं। दशहरा में लोग निर्भय भाग से घूम सके हैं। हाँ, आराम से ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग दे चुके हैं, मैंने कहीं से कोई दिक्कत नहीं।